यहाँ की धरती बंजर है, यहाँ के पहाड़ बेजुबा हैं, फिर भी एक बात तो है कि ये सब जो भी कुछ है ये बहुत ही अद्भुत है। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत जगह की सैर पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सो हम लोग इट्स मॉर्निंग 5 o'clock। यस, वी आर रेडी फॉर लेपर्ड साइटिंग नाउ। अभी जिप्सी थोड़ी देर में आने वाली है, हम लोग रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे मैं जरा स्टीम ले रहा हूँ फॉर कोरोना प्रिवेंटेशन। यस, बैटरीज वगैरह चार्ज हुई है कि नहीं वो देख लेते। नहीं, अभी भी रेड लाइट बता रहा है। बाहर का नजारा एक बार देख लेते। और जिप्सी हमारी आ चुकी है। तो देखिए पूरा अंधेरा है यहाँ। 6:30 के करीब करीब सनराइज होता है। अमित जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हो गई तैयारी? Yes. रेडी है? जिप्सी आ चुकी है। आ गई? हाँ हाँ, जिप्सी आ गई। बस चाय का इंतजार है, चाय पीते ही हम लोग निकलेंगे। सो सफारी के लिए जिप्सी आ गई है। हम लोग निकले हैं फिर एक बार जुदा को देखने उसके टेरिटरी में। अभी तो यहाँ पूरा अंधेरा है, अब बस वेट करना है जुदा का। अभी तक तो जुदा बाहर आई नहीं, लेकिन आज का फर्स्ट साइटिंग हमें दिखाई दे रहा है इंडियन पीफॉल फीमेल। काफी दूर है। और ये देखो ऊपर ग्रे फैंकुलिन दौड़ रहे। Little Swifts. Oh my God! Finally, Jivda sida open में आ गई है. Wow! Super water sighting, man. यस, जकास, टारगेट अचीव्ड। जीवदा ने आज तो दिल खोल के साइटिंग दिया है, लेकिन फिर भी दिल मांगे मोर। देखते हैं जीवदा के कब्स का साइटिंग होता है कि नहीं। जीवदा ने अपने कप्स को एक अलग जगह छुपाया है, उन्हें देखने के लिए हिल के अपोजिट साइड पे हम लोग जा रहे हैं।
अरे यार प्रदीप भाई, वो देखो बाहर निकला है, पीछे झाड़ी के पीछे सिर्फ कान और मुंह दिख रहा है। काफी वेट किया बट कब्स तो बाहर आए नहीं, सो अभी हम वापस दूसरी ओर चलते हैं, देखते हैं कुछ और साइटिंग मिलता है क्या। मॉनिटर लिजार्ड, इसकी चाल और इसकी सांप की तरह जीभ लपलपाना मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक वो हमारी तरफ ही आ रही है। ग्रे फ्रैंकुलिन, हिंदी में इसे तीतर कहते हैं। ग्रे ब्रेस्टेड प्रिनिया, इंडियन पीफॉल मेल, द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। मादा को आकर्षित करने के लिए नर अपने पंखों का असाधारण प्रदर्शन करते हैं। शक्तिशाली नर सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर पाता है, मादा उसी को अपना साथी चुनती है। लंगूर, अभी हम फिर एक बार डैम की तरफ निकले हैं, देखते हैं क्या मिलता है। क्रोकोडाइल, ग्रेट थिकनी, ब्लैक विंग्स टिल्ट, ग्रेट इग्रेट, ब्लू टेल्ड बी ईटर, डैम के आसपास आप देख सकते हैं स्थानिक लोगों ने ज्वारी बाजरा की खेती लगाई है। ये जो दिख रहा है ये तिल का खेती है, तिल के लड्डू बनते हैं और तिल का तेल भी बनता है, सो ज्वारी बाजरी और तिल की खेती यहाँ पे होती है।
सुबह के 9:30 बज चुके हैं और अभी हम रिटर्न निकले हैं अपने होटल की तरफ। ये क्या लेके जा रहे हो काट के? अच्छा, भेड़ बकरी को खिलाने के लिए। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ के साथ साथ यहाँ का कल्चर देखने का मजा ही कुछ हटके है। ऐसे ही यूनिक हटके सफर पे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।